कैसे हैं आप सब? अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आप जानते हैं कि हम हिंदी में कारक और विशेषण कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्रिया, जी हाँ, जिसे इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब। अगर साधारण सी भाषा में बात करो क्रिया किसे कहते हैं, तो क्रिया का मतलब होता है काम। क्रिया का मतलब है काम। ये हमारी आम भाषा, एक इसकी परिभाषा है वो भी मैं आपको बताऊंगी, पर क्रिया का जो मतलब है, एक सरल मतलब है, वो है काम। काम मतलब जो काम हो रहा है, जो हो चुका है। अब हम बात करते हैं परिभाषा की। क्रिया, जो शब्द या करना बताते हैं, उन्हें क्रिया कहते हैं। व्याकरण की दृष्टि से ये परिभाषा ठीक है तो नहीं, इसे भी मैंने आपके लिए बहुत ही ज्यादा सरल करके, बहुत ही सरल शब्दों में बताया है। अगर हम व्याकरण की बात करें तो उसमें थोड़े से टिपिकल वर्ड्स हैं। जो एक परिभाषा है क्रिया की, वो ये है, जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जो आपको इजीएस्ट वे में बताया जा रहा है वो है, जो शब्द किसी कार्य का करना या होना बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अब क्रिया का मतलब कार्य कैसा? देखिए, हम क्या करते हैं, अगर आप सोचेंगे तो आप सुबह से लेकर रात तक हर वक्त कोई ना कोई कार्य करते हैं। जी हाँ, हर वक्त कोई ना कोई कार्य करते हैं। इस वक्त भी जो आप कर रहे हैं वो भी क्रिया है, क्योंकि आप देख रहे हैं, देखना क्रिया है। अगर आप कहें कि मैम हम तो सो रहे हैं, अगर आप सो रहे हो वो भी तो कोई काम ही कर रहे हो ना, तो वो भी सोना जो है वो भी क्रिया है। उठना, खेलना, कूदना, खाना पीना, नाचना गाना, जो कुछ भी है वो सब क्रिया है। अर्थात जो भी काम हो रहा है उसे हम क्रिया कहेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया इतना आप लोगों को कि क्रिया मीन्स काम करना। किसी भी टाइप का काम हो रहा है, चाहे वो सोने से लेकर उठने, नहाने, धोने, खाने पीने, कुछ भी वो काम हो रहा है, मतलब कि वो क्रिया है। अब हम इस परिभाषा को किससे सीखेंगे? एग्जाम्पल से सीखेंगे। कुछ वाक्य मैं लिखूंगी, उसमें हम क्रिया को छांटेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगी कि इस वाक्य में कौन सा क्रिया है। ठीक है, जो काम होता है उसे क्रिया कहेंगे, और जो काम को कर रहा है, जो कार्य को कर रहा है वो क्या है? कर्ता। जिसके द्वारा क्रिया हो रही है, जो क्रिया को कर रहा है वो कौन है? वो है कर्ता, और जो काम हो रहा है वो है क्रिया। चलिए अब सीखते हैं एग्जाम्पल से। सबसे पहला सेंटेंस हम लेते हैं, मोहन खाना खा रहा है। ठीक है, अब इसमें हमने क्रिया देखनी है, क्रिया कौन सी है, तो कहां पे काम हो रहा है? मोहन खाना खा रहा है, खा रहा है, तो जो ये खा रहा है ये क्या है? क्रिया है। और कर्ता कौन है? मोहन कर्ता है। मोहन खाना खा रहा है तो खा रहा है क्रिया है, और मोहन कर्ता है। ठीक है, अब एक और सेंटेंस हम लेते हैं,
बाजार जा रहा है, तो क्रिया कहाँ हो रही है? खाने में तो क्रिया हो रही थी, अब जाने में क्रिया है कि वो जा रहा है, ये भी काम हो रहा है, तो ये क्रिया हो रही है। और किसके द्वारा हो रही है? राम के द्वारा हो रही है, तो राम कौन है? कर्ता। मैं साथ साथ आपको ये क्लियर कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कर्ता कौन है। ठीक है, जो काम वो करता है वो कर्ता है, जो हो रहा है वो क्रिया है। ठीक है, अच्छा अब इसमें कर्ता है मोहन, इसमें है राम। एक सेंटेंस में बताऊंगी, उसमें बताना कि कौन सी क्रिया है और कौन सा कर्ता है। तारे टिम टिमा रहे हैं, या फिर हम बात करें बारिश हो रही है। ठीक है, अब आपने ध्यान से देखना है जो मैं बता रही हूं, तारे टिमटिमा रहे हैं और बारिश हो रही है, तो इसमें क्रिया टिमटिमा रहे हैं और हो रही है। ठीक है, क्रिया तो क्लियर हो गया कि टिमटिमा रहे हैं, हो रही है। अब मुझे ये बता दो इसमें कर्ता कौन है? तारे करता है? जी हाँ, तारे बिल्कुल करता है, क्योंकि वो टिमटिमा रहे हैं, है ना, टिमटिमा रहे हैं तो वो करता है। और बारिश हो रही है, तो बारिश हो रही है, इसमें कर्ता कौन है? बारिश तो कर्ता नहीं, वो तो खुद ही हो रही है, तो ये कौन सा है? ये वह क्रिया है जो अपने आप होती है, इसमें कर्ता कोई नहीं होता। ठीक है, अगर मैं बोलूं चांद निकल आया, तो निकल आया क्रिया है पर चांद कर्ता नहीं है। इन वाक्यों में कर्ता नहीं है, बारिश हो रही है तो वो अपने आप हो रही है, चांद निकल आया अपने आप निकल आया, सूरज चला गया, सूरज अस्त हो गया तो वो भी अपने आप हो गया, तो इसमें क्रिया तो हो रही है पर कर्ता कोई भी नहीं है। तो ठीक है, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें क्रिया व कर्ता दोनों होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें क्रिया होती है पर कर्ता कोई नहीं होता। अब हम कुछ सेंटेंसेस प्रैक्टिस के लिए लेते हैं कि अब आपको ये क्लियर तो हो गया होगा ना कि इसमें क्रिया कैसे छाटनी है जिसमें हमें काम का पता चल जाए। अब हम प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंसेस की ताकि हमें पता चले कि क्रिया कौन सी है, इनमें हम क्रिया को छाटेंगे। अब देखिए ये कुछ सेंटेंस है जो कि मैंने पहले ही लिख लिए हैं ताकि आपका समय नष्ट ना हो, वीडियो थोड़ी लंबी ना हो जाए। ठीक है, अब इसमें आपने क्रिया को छांटना है। निशा गाना गा रही है, तो क्या कर रही है, कौन सा कार्य हो रहा है यहाँ पर? गाना गाने का, तो गाना गा रही है, गाना गा रही है, तो ये क्या है? क्रिया है, कर्ता कौन है? निशा। चिड़िया चहचहा रही है, तो चहचहाना क्या है? चहचहा रही है, क्रिया है, चिड़िया करता है। सक्षम नाच रहा है, नाच रहा है क्रिया है, सक्षम कौन है? कर्ता। मीरा पुस्तक पढ़ रही है, आप देखिए पढ़ रही है तो है क्रिया और मीरा है कर्ता, पुस्तक कुछ नहीं आएगी इसमें, तो पूरा सेंटेंस चला जा रहा है ना। देखिए नाच रहा है और सक्षम, सक्षम कर्ता हो गया, ये क्रिया हो गई, ये क्रिया हो गई और ये कर्ता, ये क्रिया ये कर्ता, पर यहां पर मीरा है कौन? कर्ता। और पढ़ रही है तो क्या है? क्रिया, पुस्तक यहां पर संज्ञा है। ठीक है, बच्चा रो रहा है, अब रो रहा है क्रिया है और बच्चा क्या है? कर्ता, रोने का काम तो बच्चा ही कर रहा है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्रिया जो कि बहुत ही आसान है समझ आ गई होगी। हालांकि क्रिया व्याकरण का सबसे ज्यादा आसान टॉपिक है पर ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे समझना बहुत जरूरी है। जिनको आता है उन्हें लगता है ये तो बहुत ही आसान है, क्या जरूरत है इसे समझने की, पर जिन्हें नहीं आता उनके लिए बहुत जरूरी है
इन्हें समझना कि क्रिया होती क्या है। आप लोग जिन्हें हिंदी आती है वो समझेंगे मैम क्रिया तो कुछ भी नहीं, पर जो लोग जो भाई बहन हिंदी सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं उन लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है और उनके लिए बिल्कुल नया टॉपिक है, उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट माना जाएगा एक टाइम के लिए, उसके बाद जब उन्हें आ जाएगा तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अगर आपको ये समझ आ गया है तो कमेंट करके बताइएगा कि मैम क्लियर हो गया है, अगर कोई डाउट है तो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन लोगों को जिनको इसकी ज़रूरत है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलूंगी मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।